ताज़ा हल्दी को मैंने धो के तो थोड़ी देर सुखा लिया था, और उसके बाद अभी इसको स्लाइस में काट लूँगी। छोटे छोटे बारीक से पीसेस काट के, तो इसको चाहे तो आप ओवन में बेक कर लें 40 से 45 मिनट। जो इलेक्ट्रिकल ओवन होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें कुकिंग स्लो होती है गैस के मुकाबले में। और चाहे तो अगर आपके इलाके में अच्छी धूप है तो उसको धूप लगवा लें, खुश्क हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे, तो इनका बहुत अच्छा पाउडर बन सकता है। मैं इनको धूप में सुखाऊंगी, 2 से 3 दिन इसको धूप लगवाऊंगी। ड्राई इनके क्रिस्पी ड्राई होना चाहिए, ना कि लेदर की तरह। मैंने स्लाइस किए थे, इनको 2-3 दिन धूप में रखा और ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, एज यू कैन सी। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है, अरोमा आ रहा है, जो कि आम हल्दी खरीदे तो उसमें नहीं आता। और एक सस्ती भी बहुत पड़ती है, अगर आप बाज़ार से रेडीमेड पाउडर खरीदने के बजाय आप इसकी जो रॉ शक्ल होती है, यानी कि ड्राई फ्रेश हल्दी होती है, आप अगर ड्राई ले रहे हैं तो उसको चॉप कर लें फाइनली, या डंडे से कूट लें कुंडी में, और उसके बाद फिर इसका पाउडर बना लें। 10 मिनटों में आप उसका पाउडर बना सकते हैं, मतलब सारा प्रोसेस 10 मिनट लेगा। और अगर आप फ्रेश हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके धो के अच्छे से मिट्टी उतार के उसके छोटे छोटे स्लाइस करके उसको 2 से 3 दिन अच्छी धूप लगवाएं, उसके बाद आप पाउडर बना लें। यकीन जानिए ये जो बाहर के रेडीमेड पाउडर होते हैं उसमें मैं भी पता नहीं क्या मिलावट की होती है, प्लास्टिक या फिर कलर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए गए होते हैं, तो बेहतर है कि घर के जो बने मसाले या पीसे मसाले हैं वो इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये टिप आपको फ़ायदा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।